Ya, yes, siap. बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देख रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का और इसमें हमें विभिन्न कंडीशन के क्वेश्चन को विभिन्न तरह के क्वेश्चन को हम देख रहे हैं विभिन्न तरह के एग्जांपल को हम लोग देख रहे हैं तो मतलब उसमें देखते हैं आज टू लिखा तो आ रहा है ओनली फर्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ लाइन प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस इस चैप्टर से हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे विभिन्न कंडीशन में लाइनों को विभिन्न कंडीशन में रखा जा रहा है विभिन्न तरह से देख रहे हैं हम उनसे ताकि किस तरह का उसका प्रक्षेप उसका प्रोजेक्शन किस तरह से आ रहा है उस तरह से हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक रेखा ए बी एक रेखा ए बी के दोनों सिरों के दोनों सिरों के दोनों सिरों के दोनों सिरों के प्रक्षेपी दोनों सिरों के प्रक्षेपी प्रक्षेपी 80 mm की दूरी पर है 80 mm की दूरी पर है 80 मिलीमीटर की दूरी पर है मिलीमीटर की दूरी पर है सिरा ए एचपी में सिरा ए एचपी में सिरा ए एचपी में वीपी से 30 एमएम पीछे है वीपी से 30 मिलीमीटर पीछे है 30 मिलीमीटर पीछे है सिरा बी वीपी में एचपी से 60 एमएम नीचे है वीपी में एचपी से HP से 60 मिलीमीटर नीचे है 60 मिलीमीटर नीचे है ठीक रेखा का प्रक्षेप रेखा का प्रक्षेप
प्रक्षेप बनाकर रेखा का प्रक्षेप बनाकर रेखा की वास्तविक लंबाई dl रेखा की वास्तविक लंबाई रेखा की वास्तविक रेखा की वास्तविक लंबाई रेखा की वास्तविक लंबाई dl यानी कि true length वास्तविक लंबाई तथा HP को VP से झुकाव क्या करें तथा HP व VP से झुकाव या करें झुकाव ज्ञात करें झुकाव ज्ञात करें यह क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हो गया अब हमें यह देखना है कि x रेखा AB के दोनों सिरों के प्रक्षेपी 80 mm है कल हमने जो आप बताया था कि उसके प्रक्षेपी 80 mm है 80 mm पर यानी कि जब प्रक्षेपी का एक फिक्स डिस्टेंस दे दिया जाता है प्रक्षेपी का एक फिक्स डिस्टेंस दे दिया जा रहा है जो एक्स वाई लाइन पे हम जहां से बनाना स्टार्ट करते हैं वहां से लेकर के उसी एक्स वाई लाइन को माप लेते हैं ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस है कल भी हम लोगों ने इस तरह का एक देखा था और आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें प्रक्षेपी जो है एक डिस्टेंस आ जा रही है जो डिस्टेंस है 80 mm ठीक सिरा ए एचपी में सिरा ए एचपी में और वीपी से 30 mm पीछे 30 mm पीछे और सिरा बी वीपी में एचपी से 60 mm नीचे यानी कि पीछे दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम इसे तृतीय कोणी में तृतीय प्रक्षेप में दिखाएंगे ये देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट क्या कह रहा है कि एचपी से नीचे देखिए ये एचपी हो गया एचपी से नीचे ठीक अर्जुन क्या कह रहा है कि इसके पीछे वीपी से पीछे या एचपी के नीचे हो गया या वीपी या वर्टिकल प्लेन हो गया वीपी के पीछे यानी कि यह हमारा हो गया तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हम इसे दिखाएंगे तृतीय कोणीय प्रक्षेप में जिसमें हमारा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमारा एचपी ऊपर होता है तृतीय कोणीय प्रक्षेप में हमारा एचपी ऊपर होता है वीपी नीचे होता है और फर्स्ट कोणीय प्रक्षेप में यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमारा वीपी ऊपर होता है एचपी नीचे होता है तो यहां हमें जो कंडीशन बताया जा रहा है जो क्वेश्चन में कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से हमें तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बनाना है ठीक तो हम लोग इसे तृतीय कोणीय प्रक्षेप में बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें इसमें से कुछ चीजों को बाहर निकाल लेना होता है यह 80 mm जो है 80 mm का प्रक्षेपी है तो जो हम एक्स वाई लाइन पे कर लेते हैं एक्स वाई लाइन पे करेंगे एचपी में है सिरा ए एचपी में है और वीपी से कितना है वीपी से 30 mm यहां देखिए वीपी से कितना 30 mm 30 mm यानी कि वीपी से 30 mm ये हो गया बी वीपी में एचपी से कितना 60 mm एचपी से कितना 60 mm यहां और ये यहां पे 30 mm हो रहा है ठीक तो यहां एचपी से जो हो गया वो कितना हो रहा है 60 mm एचपी से यहां पे 60 mm हो रहा है ठीक तो आप जानते हैं हम लोग जानते हैं कि ये चीज यानी कि वीपी को हमें एचपी में दिखाना है
वीपी की चीजें हमें एचपी में दिखाई देती है और एचपी की चीजों को हमें वीपी में दिखाई देना दिखाते हैं इसे हम इसमें दिखाते हैं ठीक तो ये हो गया इतना होने के बाद से अब हम आते हैं अपने एक्सवाई लाइन पे एक्सवाई लाइन पे आते हैं एक्स और ये हो गया वाई एक्सवाई लाइन यहां हमें पता चला पहले ही कि क्वेश्चन जो है त्रिकोणीय प्रक्षेप बनाना है तो एचपी हमारा ऊपर हो गया और वीपी हमारा नीचे हो गया त्रिकोणीय प्रक्षेप में क्षैतिज तल ऊपर और वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर तल नीचे हो गया ये हो गया अब हमें क्या कर रहा है कि एक प्रक्षेपी जो है 80 एमएम यानी कि हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से 80 एमएम होगा तो पहले हमें एचपी है एचपी है तो एचपी में हमें वीपी की डिस्टेंस दिखाना है तो ये वीपी यानी कि 30 एमएम ये है तो उस 30 एमएम को हम ऊपर लेकर जाते हैं ये 30 एमएम जो है मान लीजिए ये 30 एमएम में आ गए ये 30 एमएम में आ गए ठीक और यहां से हम जो है एक ये 30 एमएम यहां से बाहर काट लेंगे और यहां से हम जो है 30 एमएम एक वो निकाल लेते हैं डायमेंशन दे देते हैं और ठीक और यहां से जो 80 एमएम है यहां से 80 एमएम हम यहां तक माप लेते हैं 80 एमएम हम यहां माप लेते हैं यहां से हम ये 80 एमएम हम यहां माप लिए यहां से यहां तक जो हो रहा है वह 80 एमएम है 80 एमएम है ये दूरी हमारी 80 एमएम हो गई यहां से यहां तक ठीक तो ये हमारा 30 हो गया 30 हो गया और ये हमारा 60 हो गया तो यहां हम जो है इस 60 को यहां दिखा सकते हैं इस 60 को हम जो है यहां दिखा देंगे इस 60 को हम यहां दिखा देंगे इस 60 को हम यहां दिखा देंगे ठीक अब यहां से हमारा एक बिंदुपथ लाइन बना जा रहा है एक बिंदुपथ लाइन जिसे हम लोकस लाइन भी कहते हैं इसे बिंदुपथ लाइन या लोकस लाइन भी कहते हैं ठीक और यहां जब 60 हो गया यहां जब 60 हो गया तो यहां से 60 एमएम पे हम जो है यहां से 60 हो गया तो 60 एमएम पे हम जो है एक यहां भी एक लोकस लाइन दे दिए एक लोकस लाइन दे दिए ठीक यहां से भी हमने एक लोकस लाइन दे दिए 60 एमएम का एक लोकस लाइन मेरा आ गया लोकस लाइन मिल जाने के बाद से लोकस लाइन मिल जाने के बाद से यहां से यहां तक यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये हमारा क्या हो जाता है 80 एमएम यहां से यहां तक जो हो रहा है वह हमारा 80 एमएम हो जा रहा है यहां से यहां तक जो हो रहा है हमारा 80 एमएम हो जा रहा है देखिए यहां से यहां तक जो क्या हो रहा है वह हमारा 80 एमएम यहां से निकाल लेते हैं इस स्लाइड में ये हमारा 80 एमएम हो गया जैसे स्लाइड में ये सिक्स टाइप आ रहा है ये यहां से यहां तक जो है ये डिस्टेंस जो हो जा रही है वह 80 एमएम की हो गई 80 एमएम हो गया ये 80 एमएम क्या हो गया ठीक और ये लाइन हमको मिल गई ये लाइन हमें प्रक्षेपी कल भी हमें हम लोगों ने देखा था कल वाले क्वेश्चन में कि जब हमारा एलिवेशन और प्लान बन जाता था जहां पे कट जाता था वहां से सीधी लाइन जाती थी वही सीधी लाइन हमको यहां भी मिल गया ठीक अब हमें क्या करना है कि यहां से इस लाइन को यहां से हम इस पॉइंट पे मिलाएंगे यहां से इस पॉइंट पे मिलाएंगे ये और ये हमारा हो गया ए यह हमारा हो गया ए और यह जो है यहां से हमारा यह पॉइंट हमारा हो गया आपका ए डैश ये हो गया यहां से हम मिलाएंगे यहां
यहां से हम मिलाएंगे a डैश में, a डैश से यहां हमारा हो जाएगा हां ये हो गया a, तो ये पॉइंट हमारा हो गया b1, ये हो गया b1, b1 और यह a डैश, तो ये हो जाएगा b1 डैश, ये हो जाएगा b b1 dash ये हो गया क्योंकि vp में है यह की vp में है तो ये हो गया b1 dash ये हो गया b1 dash हो गया यहां से b1 dash हो गया जो हम पहले यह हमारा sp बना रहा है तो यहां प्लान जैसे प्लान हो रहा है और यह vp बन रहा है तो यह हमारा इलेवेशन होगा ठीक लेकिन हमें ट्रू लेंथ पता करना है ट्रू लेंथ पता करना है ट्रू लेंथ पता करना है तो अब हमको क्या करना होगा ये डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे ये डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे और इसे हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ये डिस्टेंस अपने कंपास में लेंगे और ये इस तरह से यहां पे आ रहा है ये अपने कंपास पर हमने लिया डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस लिए ये डिस्टेंस लिए a डैश b1 डैश का अपने कंपास में डिस्टेंस लिए और यहां पे हमारा आ गया और ये हमारा हो रहा है b2 डैश ये हो रहा है b2 डैश b2 डैश हो गया ठीक अब जहां b2 डैश हो गया b2 डैश हो गया अब इस b2 डैश के इस पॉइंट पे हमारा a यहां से जो जा रहा है ये ट्रू लेंथ हो रहा है ऊपर से हमारा ये ट्रू लेंथ बन रहा है ये हमारा ट्रू लेंथ बन गया ये हमारा ट्रू लेंथ बन गया ट्रू लेंथ बन गया ये हमारा किसका प्लान का मैं जो दिखा देगा 2 एंड यानी कि टीएल हो गया और ये इससे इसका जो है ये थीटा कोण हो गया थीटा कोण हो गया दिखा दिया ये अब थीटा कोण के बाद से अब हम आते हैं इसके ट्रू लेंथ के लिए इसके ट्रू लेंथ के लिए भी हमें यहां से ए से बी ए से लेकर के बी1 तक का डिस्टेंस अपने कंपास में लेते हैं बी1 तक का डिस्टेंस अपने कंपास में लेते हैं और ये हम ऐसे जाते हैं यहां पे गए और वहां पे हमको मिल रहा है b2 वहां पे मिला हमको b2 वहां पे हमको मिला b2 और b2 जब मिल गया तो वहां से हम सीधे एक लाइन नीचे की तरफ एक प्रक्षेपी लाइन या ये ला रहे हैं ये लाइन अब हमें यहां पे एक पॉइंट मिल रहा है यहां पे हमें एक लाइन मिल रहा है पॉइंट मिला b डैश का a डैश और यहां से जब हम इस पॉइंट को मिला रहे हैं इस पॉइंट को मिला रहे हैं इस पॉइंट को जब हमने मिला दिया तब ये पॉइंट जो होगा ये b डैश का हो गया ये हो गया b डैश ये हो गया a डैश और ये हो गया b डैश ये हमारा हो गया टीएल ट्रू लेंथ हो गया हमारा और इलेवेशन का ट्रू लेंथ हो गया और ये हमारा प्लान का ट्रू लेंथ हो गया और ये हमारा हो गया इलेवेशन ये हमारा हो गया इलेवेशन और ये हमारा हो गया प्लान यह हमारा हो गया प्लान यह हमारा होगा इलेवेशन और यह हमारा हो गया प्लान इसका ऐसे थीटा कोण कितना बन रहा है यह थीटा कोण जो निकालते हैं यह थीटा कोण हो गया इसका यह थीटा कोण हो गया ठीक एचपी वीपी यह क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है बहुत ही आसान है सिर्फ जब हमें प्लान और इलेवेशन इसमें पहले मिल जा रहे हैं प्लान और इलेवेशन मुझे इसमें पहले मिल जा रहा है प्लान और इलेवेशन
मिलने के लिए प्लान और इन्वेस्टर जब मुझे मिल जा रहा है तो हम जिस तरह से पहले ये मिलाते थे उस इस तरह का काम जो है इसके ए डैश ए डैश और यू डैश का डिस्टेंस अपने कंपास में लिए और एक्स वाई लाइन में हमने कट दिया एक्स वाई लाइन में कट दिया और उस एक्स वाई लाइन में हम कट कर रहा है ऊपर से हम मिला रहे हैं तो ये हमें मिल रहा है ट्रू लेंथ मिल गया प्लान से बनने वाला जो ट्रू लेंथ हमारा मिल गया यानी कि वास्तविक लंबाई मिल गई और जब ये मिल गया इसके बाद से जब हम फिर ए डैश बी वन डैश का ए डैश बी वन डैश के लिए जब लेकर गए हैं और ये यहाँ मिला है तब ये हमको मिल गया है यहाँ पर ट्रू लेंथ मिल गया है अब हमें इलिवेशन के लिए ट्रू लेंथ चाहिए इसके लिए अब हम ए ए और बी वन ए बी वन का कंपास में डिस्टेंस लेते हैं और ये यहाँ पे आकर के बिंदु पे कट कर रहा है और फिर उस कागज पर सीधे लंब ला रहे हैं सीधे लंब ला रहे हैं जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे अब हम ये लाइन लेकर यहाँ से ए डैश से मिला रहे हैं तो वो हमारा ए डैश मिले पास से ए डैश बी डैश हमारा मिला ये हमारा ट्रू लेंथ का मिला इस तरह से हमारा ये ड्राइंग कंप्लीट होती है इस तरह से ये ड्राइंग हमारी कंप्लीट हुई हाँ ये ड्राइंग इस तरह से कंप्लीट हो गई यह हमारा लोकस लाइन है यह हमारा लोकस लाइन है लोकस लाइन लोकस लाइन और ये भी हमारा लोकस लाइन है ये भी लोकस लाइन है ये भी लोकस लाइन हो गया और यहाँ से प्रक्षेपी का जो डिस्टेंस है ये यहाँ से 80 है तो ये यहाँ से हमने 80 दिखा दिया है ये 80 एमएम पे हमने ये दिखा दिया है इस तरह से यह ड्राइंग कंप्लीट होती है यह बहुत ही आसान है बहुत ही आसान है सिर्फ थोड़ा सा सोचना है कि क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में हमें यह देखना होता है कि अगर क्वेश्चन कह रहा है कि एचपी से इतने दूर पे है और वीपी में है और वीपी से इतने दूर पे है दूरी पे है तो इस तरह से हमें यह समझ लेना चाहिए कि किस यह हमको समझना चाहिए कि किस प्रोजेक्शन में बनाना है फर्स्ट एंगल में बनाना है या थर्ड एंगल में किस बनाना है किस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल तो इसमें हमारा क्वेश्चन जो थर्ड एंगल में कह रहा था थर्ड एंगल में कह रहा था तो हमने सबसे पहले एक्स वाई लाइन लिया एक्स वाई लाइन लेने के बाद से तो इसके अनुसार जो डिस्टेंस आप सभी लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस वीपी के लिए होता है वह एचपी में दिखता है जो एचपी के लिए होता है वह वीपी में दिखता है उस हिसाब से हमें यहाँ पे एचपी में दिखाना था एचपी में दिखाना था तो हमने वीपी का डिस्टेंस दिखाया और यहाँ पे वीपी में दिखाना था तो हमने एचपी को दिखाया नहीं यहाँ से कह रहा है कि एक सिरा एचपी में है ये भी हो गया बीस दूसरा सिरा कह रहा है कि वीपी में है तो वो भी हो गया फिर एक सिरा कह रहा है वीपी में है दूसरा सिरा एचपी में है तो भी हो रहा है इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो रहा है ये प्लान हो गया ये इन्वेस्टर हो गया और ये एच वाई लाइन हो गई एच वाई लाइन पे हमने क्या किया पहले 80 एमएम काट लिए हैं एक बार फिर से सुन लीजिए कि एच वाई ये डिस्टेंस देने के बाद से एच वाई लाइन पे हमने 80 एमएम जो यहां पे 80 एमएम है 80 एमएम हमने काट कर लिया 80 एमएम कट करने के बाद से ये 60 एमएम जो हम जानते हैं तो 60 एमएम वहां से काट लिए हैं वहां पे लेवा 60 एमएम पे हमने जो है एक लोकस लाइन ले लिया और जहां पे 60 एमएम पे लोकस लाइन हमने ले लिया फिर इसके रास्ते जहां पे हमारा 80 है 80 पे हमने यहां पे एक लंब लाए और यहां पे एक पॉइंट मिल गया हमने और ये पॉइंट यहां से मिल गया एक्स वाई लाइन से हम लाए जब एक्स वाई लाइन से हम लाए तब यहां से ए से
से लेकर के बी वन तक हमने ये हमारा प्लान हो गया और यहां से ए डैश से लेकर के ए डैश से लेकर के बी वन डैश तक जो हमने मिला दिया ये हमारा इन्वेशन हो गया ठीक। इसमें हमको प्लान और इन्वेशन जब पहले मिल गया अब हमें प्लान और इन्वेशन मिल गया और प्लान और इन्वेशन को मिलाने वाली जो सीधी लाइन होती है वह भी हमें मिल गया तो अब हमें सिर्फ ट्रू लेंथ खोजना था और जब मेरा ट्रू लेंथ मिल जाएगा तब मैं जो है ये थीटा कोण दिख जाएगा तो ट्रू लेंथ के लिए क्या करना है कि हमें जब ये डिस्टेंस मिल गया अब हम क्या करें ये ए वन डैश और बी वन डैश लिए अपने कंपास में और ये डिस्टेंस लिए एक्स वाई डैश यहाँ कर दिया ठीक। यहाँ कट करने के बाद से तब हमने इस यहाँ से ए डैश ए और ये डिस्टेंस मिला है ये डिस्टेंस मेरा हो गया ए और ये हो जाएगा बी क्योंकि ये ऊपर के लिए बी होगा ऊपर के लिए यह बी होगा ए और ये पॉइंट इसके लिए बी होगा ऊपर के लिए एच बी एच बी के लिए बी होगा ये बी हो गया और ए डैश ए ए और हमने डिस्टेंस लिया था हाँ ए डैश और बी वन डैश लेकर के यहाँ पर किए थे और यहाँ जो मिला दिए तो ए और बी का मिल गया ए और बी मिल जाने के बाद से अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ए और बी वन ए और बी वन को डिस्टेंस कंपास में लेते हैं और ये ऊपर तरफ लेकर जाते हैं जो बिंदु पे कट कर आ रहे हैं जो बिंदु पे यानी कि लोकस लाइन जो बनी हुई है हमारे 30 एमएम पे यहाँ पे वो कट किया वहाँ पे कट करने के बाद से हम सीधे लंब लाइन कराते हैं नीचे नीचे जो है यहाँ पे कट किया अब हम इसे जब मिला देते हैं तो ये हमारा a डैश और b डैश मिल जाता है जो हमारा इक्वेशन होता है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसे क्या करेंगे अब हम इसे शब्दों में लिख करके इसको ड्रा कर सकते हैं ठीक है। ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करना है x y लेना है x y लाइन पे हमने 80 mm पर पॉइंट लगा दिया है। 80 mm पॉइंट लगा देने के बाद से SP VP नीचे SP ऊपर कर दिया है। ये हो जाने के बाद से अब जो 30 और 60 का है 30 ऊपर की जा रहा है वहां 30 से लेकर के लाइन लेकर आ रहा है प्लान के लिए और वहां नीचे से लेकर के एरिया से लेकर के नीचे तक ले आ रहा है 60 और 30 का हो जाने के बाद से हमें ये दोनों लाइन मिल जा रही है। दोनों लाइन मिलने के बाद से ये डिस्टेंस हम कंपास ले रहे हैं ऊपर तक कट कर रहे हैं यहां जा रहा है और फिर ये डिस्टेंस लेकर ऊपर तक कट रहे हैं जा रहे हैं यहां हमारा ये मिल जा रहा है और इसे मिला दे रहे हैं इस तरह से ट्रू लेंथ हमारा मिल गया ये मिल गया और ट्रू लेंथ ये मिल गया। प्लान के लिए ट्रू लेंथ मिल गया और इलिवेशन के लिए ट्रू लेंथ मिल गया। इस तरह से हमारी ट्रायंगल कंप्लीट होती है। इसे हम शब्दों में किस तरह से बना है एक एक शब्दों को मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि यह आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए। शब्दों में इसकी रचना मैं लिख दे रहा हूं ताकि यह आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए ठीक है। तो इसके लिए हम जो है यहां से इस चीज को यहां से कट करते हैं यहां एक्स वाई लाइन जो हम यहां लिखे थे ये कट करते हैं और यहां से हम जो है यहाँ हम देखते हैं जैसे आपका क्या एच पी और बी पी ये था एच पी बी पी था ठीक है। तो ए बी पी था एच पी में ए बी पी से तीस बी पी से तीस था तो एच पी में आ गया और इससे साफ था ठीक। ये यहाँ पे आया और ये यहाँ पे VP से 30 था, 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 VP से 30 था,
हां अब हम जो है से एक-एक करके लिखते हैं रचना के तौर पे Thank you.
सबसे पहले रचना में हम देते हैं रचना की सेवा है पास स्टेप क्या है रेखा के सिरे ए और बी के प्रक्षेपी द्वितीय कोण में है रेखा के सिरे ए और बी के प्रक्षेपी ए और बी के प्रक्षेपी ए और बी के प्रक्षेपी द्वितीय चतुर्थांश में है द्वितीय चतुर्थांश में है ठीक द्वितीय चतुर्थांश में है ठीक अब सेकंड सर्वोत्तम एक्स वाई रेखा खींचकर सर्व प्रथम एक्स वाई रेखा खींच कर चतुर्थांश के अनुसार खींच कर चतुर्थांश के अनुसार चतुर्थांश के अनुसार HP व VP प्रदर्शित किया प्रदर्शित किया ठीक तीसरा सिरे A के मुख से सिरे A के मुख से यानी कि इलेवेशन सिरे A के इलेवेशन से यक्ष डैश मतलब A डैश एक्स वाई रेखा एक्स वाई रेखा से 30 mm ऊपर बनाया 30 mm ऊपर बनाया ठीक 30 mm ऊपर बनाया सिरे A के प्रक्षेपी से चौथा है सिरे A के प्रक्षेपी सिरे A के प्रक्षेपी से सिरे A के प्रक्षेपी से 80 mm की दूरी पर 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 सिरे B का प्रक्षेपी के लिए खींचा सिरे B का सिरे B का लिए खींचा ठीक ठीक बी के लिए खींचा यह हो गया अब हम जो है ऊपर से एक पॉइंट हटाते हैं ऊपर ले लेते हैं Thank you.
सीने बी के उत्से सीने बी के उत्से यानी कि इलवेशन सीने बी के उत्से बी वन डैश बी वन डैश एक्स वाई रेखा से एक्स वाई रेखा से 60 एमएम नीचे 60 मिलीमीटर नीचे 60 मिलीमीटर नीचे वह अनुविच्छेद अनुविच्छेद यानी कि प्लान प्लान अनुविच्छेद यानी प्लान B1 एक्स वाई रेखा पर बनाया एक्स वाई रेखा पर बनाया एक्स वाई रेखा पर बनाया छठा है बिंदु ए व बी डैश छठा है बिंदु A व B1 A व B1 तथा A dash A dash व B1 dash B1 dash को मिलाया वो मिलाया dash को मिलाया जो रेखा AB के क्रमशः जो रेखा AB के क्रमशः AB के क्रमशः अनुविच्छेद व उत्सेद है क्रमशः अनुविच्छेद व उत्सेद है यानी कि इलवेशन और प्लान है प्लान और इलवेशन है ठीक साथ में आते हैं इससे पहले ऊपर मिटा दें ये देख लीजिए इस ऐसे स्टार्ट करते रहिए सातवां पॉइंट सातवां पॉइंट बोल रहा है बिंदु ए को केंद्र बिंदु ए को केंद्र बिंदु ए को केंद्र व बिंदु ए को केंद्र बिंदु ए को केंद्र व ए बी वन ए बी वन ए बी वन त्रिज्या मानकर चाप लगाया त्रिज्या मानकर चाप लगाया त्रिज्या मानकर चाप लगाया जो बिंदु ए के बिंदु पथ को जो बिंदु ए के बिंदु पथ B
बिंदु पथ यानी कि लोकस लाइन, बिंदु पथ, बिंदु पथ को ए टू पर काटता है, बिंदु पथ के बी टू पर काटता है, बी टू पर काटता है। आठवां, बिंदु B2 से लंब प्रक्षेपी खींचा, बिंदु B2 से प्रक्षेपी लंब, प्रक्षेपी लंब से लंब प्रक्षेपी, लंब प्रक्षेपी से लंब प्रक्षेपी, लंब प्रक्षेपी खींचा, लंब प्रक्षेपी खींचा जो बिंदु बी वन डैश के बिंदु पथ को, जो बिंदु बी वन डैश के बिंदु पथ, बी वन डैश के बिंदु पथ, बिंदु पथ को बी डैश पर, बी डैश पर काटता है, डैश पर काटता है। नवा, बिंदु ए डैश और बी डैश को मिलाया, बिंदु ए डैश और बी डैश को मिलाया, को मिलाया जो वीपी में, जो वीपी में, जो वीपी में टीएल को प्रेस करता है, जो वीपी में टीएल यानी ट्रू लेंथ को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट दसवां पॉइंट, इसका आप लोग स्क्रीन शॉट लेते रहिए। इसी प्रकार बिंदु ए डैश को केंद्र, बिंदु ए डैश को केंद्र मानकर त्रिज्या मानकर, ए डैश बी वन डैश को त्रिज्या मानकर, त्रिज्या मानकर ए डैश बी वन को, यानी कि ए डैश और बी वन डैश इसको त्रिज्या मानकर के ये कट दिए,
और त्रिज्या मान पर चाप लगाया जो बिंदु ए डैश से बिंदु पतलू जो बिंदु ए डैश के बिंदु पथ ए डैश के बिंदु पथ को बी टू डैश ये या ये बी टू डैश है करते हैं बी टू डैश पर काटता है पर काटता है ठीक पर काटता है ठीक और इधर नौ पॉइंट है बिंदु बी टू डैश बिंदु बी टू डैश से लंब प्रक्षेपी खींचा से लंब प्रक्षेपी खींचा लंब प्रक्षेपी खींचा जो बिंदु जो बिंदु बी वन के बिंदु पथ बी1 के बिंदु पथ को बी पर काटता है वो बी पर काटता है काटता है और बनाव पाठ हो रहा है बिंदु ए व बी को मिलाया बिंदु ए व बी को मिलाया ए व बी को मिलाया जो एचपी में टीयर को प्रेजेंट करता है एचपी में टीयर यानी कि ट्रू लेंथ को प्रदर्शित करता है ठीक ये है बच्चे जो हमने बताया उसको हमने लिंकअप भी कर लिया सो स्वरूप में समझ लो थोड़ा सा दो मिनट में समझ लो कि सर्वप्रथम एक्स वाई लाइन ने बनाया एक्स वाई लाइन में हमने जो प्रक्षेपित किसका था एक्स वाई लाइन में 80 mm का हमने ये कट कर दिया 80 mm का हमने कट कर दिया 80 mm में कट कर देने के बाद से अब हमें एचपी और वीपी के अनुसार जितना डिस्टेंस ऊपर जाना था उतना डिस्टेंस नीचे मापना था मैंने माप लिया यानी कि एचपी में हमें 30 का जाना था 30 पे हम गए 30 पे गए और नीचे पे हमें 60 का जाना था तो हम 60 वीपी में 60 आ गए अब 60 पे जाने के बाद से हमने एक लोकस लाइन दे दिया और फिर जो है 30 ऊपर जाने के बाद से एक लोकस लाइन दे दिया अब यहां से ए से और बी जो लोकस लाइन दे दिए तो जहां पे हमारा प्रक्षेपी 80 एमएम आया था जहां शुरू किए थे ये 80 उस 80 पे हमने इस लोकस लाइन को मिला दिया लोकस लाइन को मिला देने के बाद से अब हमें क्या हो गया दो पॉइंट मिल रहे हैं इन दो पॉइंटों को हमें ए से B1 तक हमने मिला दिया ए से B1 क्योंकि हमारा एचपी एचपी में हमारा डैश लगता है ए और बी को हमने मिलाया जो हमारा गुणांक हो गया और फिर बी डैश को B1 से मिला दिया इस पॉइंट पे मिला दिया B1 हो गया तो हमें A' B1' मिल गया अब हमें क्या करना है A' और B1' अपने कंपास में लिए और एक्स वाई लाइन में यहां पे हमने कट किया यहां पे हमने कट किया कट होने के बाद से हम A' कट करने के बाद हमने A वाले पॉइंट से लेकर के B तक पॉइंट तक को मिलाया जब ये पॉइंट हमने लिया तो ये हमारे प्लान का ट्रू लेंथ मिल गया प्लान का ट्रू लेंथ मिल गया अब हमें चाहिए था इलेवेशन का ट्रू लेंथ इलेवेशन के ट्रू लेंथ के लिए हमें क्या चाहिए था तो हमें अपने कंपास में A
और b1 कंपास में डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस हमने ऊपर की तरफ कट किया जो b2 पे यानी कि ऊपर वाले लोकस लाइन पे हमने यहां पे कट किया वहां पे कट करने के बाद ऊपर से हमने नीचे एक लंब लाया जो एक पॉइंट हमें नीचे के लोकस लाइन पे एक पॉइंट मिला और फिर वहां से हमने a' से लेकर के मिला दिया जो हमारा a' और b' मिल गया। इस तरह से हमारा प्लान का ट्रू लेंथ मिल गया और इलेवेशन का ट्रू लेंथ मिल गया। हमें केवल ट्रू लेंथ वास्तविक लंबाई को खोजना था, वास्तविक लंबाई दोनों की मिल गई। अब हमें यहां पे हमने सीखा दिया कि ये हमारा थीटा कोण ऊपर है हो गया, थीटा कोण हमारा नीचे हो गया। इसे हम एग्जाम में अगर पूछता कि कितना कोण हो रहा है तो हमें इसे माप करके उस कोण को भी हमें दिखा देना होता है और अपने स्केल से माप करके हम ये लंबाई निकाल सकते हैं जो ट्रू लेंथ पूछ रहा है। इस तरह से बच्चों आज के लिए बस इतना, हमने जो पढ़ाया है इसका प्रैक्टिस करिए। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना, से आप तैयार रखिए, ध्यान दीजिए।